आपने इतनी जल्दी अपनी अपनी वीडियो वायरल किस तरह की, और आपने अपनी वीडियो पर कौन सी ट्रिक लगाई थी, कौन सा ऐसा तरीका लगाया था जिसकी वजह से आपकी वीडियो इतनी जल्दी वायरल हो गई। तो थोड़ा हमारी ऑडियंस को भी तो बताएं, आपकी वीडियो जब वायरल हुई थी, जो आपकी जब सबसे फर्स्ट जो वीडियो है वो ही आपकी वायरल हुई थी, तो आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर कौन सी ट्रिक का सब्सक्राइबर्स इतना जल्दी मैं कैसे बढ़ा। देखा कि हमारा शीतल राणा के साथ इंटरव्यू हो रहा है, पर आप लोगों ने देखा कि हमारी उनसे साथ बात भी हो गई है। व्यूवर्स, आप लोग देखेंगे कि हमारा और शीतल राणा का इंटरव्यू होने वाला है और इंस्टाग्राम पे बात हो चुकी है, तो इस वजह से वो फारिग नहीं दी थी, तो हम आज लाइव इंटरव्यू कर लेते हैं। बट ये लाइव इंटरव्यू में ये होता है कि जो हम सवाल करना चाहते हैं वो सवाल हमसे लाइव इंटरव्यू में नहीं होते, जो हम कल से कंधा मिलाकर इंटरव्यू में बात कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन देखे कि आप लोगों के दिमाग में जो सवाल होते हैं बड़े यूट्यूबर से पूछते हैं तो वो सवाल का जवाब नहीं देते, तो जैसे कि शीतल राणा के कई सारे कमेंट सेक्शन में ऑडियंस है, बट वो किन किन का जवाब दें, आप लोग खुद सोच सकते हैं। अगर आप खुद बड़े यूट्यूबर बन जाए तो आप किस किस का जवाब देंगे, तो इस वजह से ही मैं इंटरव्यू के अंदर शीतल राणा की एक एक ट्रिक आप लोगों को बताऊंगी। तो शीतल राणा जब तक कंधा कंधा से मिला के बैठेगी तो आप मेरे दिमाग में भी कई सवाल है, आप लोगों के दिमाग में भी कई सवाल होंगे कि आप उनसे पूछ नहीं सकते क्योंकि वो खुद बड़े यूट्यूबर है, वो मिस होते एडिटिंग करने में, थंबनेल बनाने में। आप लोग खुद सोचें आप लोगों को इतने काम है, तो वो तो बड़े यूट्यूबर किस किस को रिस्पॉन्स देंगे, इंस्टाग्राम पे क्या क्या करेंगे, कितनी स्टोरीज लगाएंगे, उनके पास कहाँ से इतना टाइम होता है। तो इस वजह से कंधे से कंधा मिला के बात करेंगे, तो दूसरा उनके साथ इंटरव्यू होगा, तो कौन कौन चाहता है कि मैं उनके साथ इंटरव्यू करूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर रिप्लाई दीजिएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम दोनों का इंटरव्यू होने वाला है, लाइव नहीं रियल इंटरव्यू होने वाला है। लाइव इंटरव्यू में हम वो सवाल नहीं कर सकते जो हम दूसरे इंटरव्यू में कर सकते हैं। जिनके दिमाग में जो भी सवाल है वो सारे सवाल आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उनसे वही सवाल के आपका चैनल, अगर चैनल का नाम लिखना चाहे तो चैनल के सामने बोलूंगी इसमें कौन सी मिस्टेक है। तो आज मैंने अपना भी चैनल सामने रखना है, क्योंकि देखेंगे इन मेरे चैनल में कौन सी, अब उन्होंने मुझे ऐसी ट्रिक लगा बताई है जो मैंने अपने चैनल पर लगाई है, तो व्यूज आने स्टार्ट हो गए, डेड चैनल भी अब ग्रो की तरफ जा रहा है। कैसे ग्रो की तरफ जा रहा है, क्योंकि टीचर जब टीचर किसी स्टूडेंट को सिखाता है तो स्टूडेंट जब उसकी बात को समझता है तो स्टूडेंट हमेशा आगे निकलता है। अगर टीचर की बात को जब तक मिसबिहेवियर उनके साथ करता रहेगा तब तक उनका कोई भी, अगर टीचर की बात को गौर से समझेगा तो वही उसका काम होगा, तो मतलब कि वो आगे निकलेगा। देखे तो देखेंगे अब हमारा इंटरव्यू होगा, तो टीचर हमें स्टूडेंट्स को बताएगी कि हाँ जी कि ये है, ये ट्रिक है और आपने ये ला। इंटरव्यू के अंदर एक एक चीज़ पूछेगा, चैनल का नाम जानना आदमी पुट कर दीजिएगा, आप लोग कमेंट जो पूछना है तो मेरे दिमाग में कमेंट है, मैं भी सीधा रहने के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोगों के दिमाग में जो भी कमेंट है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो किस किस को जवाब दें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उनके साथ आपका शेयर कर दूंगी। जल्दी जल्दी हम लोगों को कौन कौन चाहता है कि मैं इंटरव्यू करूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर करें कि कौन कौन चाहते हैं कि हम लोग इंटरव्यू करें। तो कैसी वीडियो लगी है तो लाजमी आप लोग मेरी वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट है शेयर वीडियो कीजिएगा, किस किस को इंटरव्यू आने का वो लोग इंतजार करें। तो व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के व्यूवर्स ऐसी वीडियो आने वाली है जिससे आप लोगों को कभी भी किसी यूट्यूबर ने ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने ना शेयर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए व्यूवर्स अल्लाह हाफिज़।